अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई आम आदमी हो तो आपके लिए पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज मैं आप सभी के सामने तीन सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स लेकर आया हूं, जिनकी मदद से आप रेगुलरली पैसे कमा सकते हो, यानी कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग एफिलिएट प्रोग्राम्स को रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं और कंपेयर कर देते हैं। देखिए, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या है? रेफर एंड अर्न का मतलब ये होता है कि अगर आप खुद किसी सर्विस को या फिर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो और बाद में अगर आपने किसी दोस्त को या फिर किसी रिलेटिव को ये रेफर किया है, वो होता है रेफर एंड अर्न, यानी कि आप खुद उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। अगर आप खुद ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो और बाद में अगर आप किसी भी दोस्त को या फिर रिलेटिव को ये रेफर करते हो तो बदले में आपको कुछ इंसेंटिव मिल जाता है। तो ये होता है रेफर एंड अर्न। अब क्योंकि मैंने ग्रो एप्लीकेशन का जिक्र कर ही दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन का लिंक दिया है। वहां पर जाकर अगर आप इसमें डीमैट अकाउंट खोलते हो, जिसको खोलने के लिए आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, इस समय पर ये बिल्कुल फ्री है। हो सकता है आने वाले समय में इसकी पॉलिसी बदल जाए, लेकिन इस समय पर अकाउंट खोलने के लिए आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। अगर आप अपना अकाउंट यहां पर खोलते हो तो बदले में मेरे लिंक की तरफ से आपको 100 रुपीज जाएंगे, 100 रुपए जो आपके बैलेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा, और 24 आवर्स के बाद आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि चाहे आप उस सर्विस का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, यानी कि यह जरूरी नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे, तो आप करें या फिर ना करें, सिर्फ अगर आप प्रमोशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। छोटा सा उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा देता हूं। मान लो अमेज़न का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, आप क्या करोगे, अमेज़न में किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक बनवाओगे, उसके बाद किसी भी दोस्त को अगर आप ये सेंड कर दोगे, आप चाहे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें या फिर ना करें, अगर आपने वो एफिलिएट लिंक बनवाया है उसके बाद आप अपने दोस्तों को ये रेफर करते हो। अब अगर कोई भी उस लिंक की मदद से अमेज़न में वो जो प्रोडक्ट है वो खरीदता है तो बदले में आपको उस प्रोडक्ट के लिए कुछ कमीशन मिल जाता है, कुछ परसेंटेज मिल जाता है। इसे ही एफिलिएट प्रोग्राम कहा जाता है। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को अमेज़न और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये हम सभी को पता है। देखिए, एफिलिएट प्रोग्राम्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई SEO रिलेटेड हो, तो अलग अलग कैटेगरीज है। तो पूरे मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज को फिल्टर करने के बाद तीन सबसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है इनसे और भी बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम्स होंगे जो आपको ज़्यादा कमीशन पे करते होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप सभी को बताऊं कौन ज़्यादा कमीशन पे करता है। मेरा मकसद ये है कि जो भी एफिलिएट प्रोग्राम को हम प्रमोट करेंगे, हम उनसे पैसे तो कमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। यानी कि क्या, ऐसा ना हो कि हम यहां से पैसे कमाते रहेंगे और सामने जो बंदा बैठा होगा उसको ये सर्विस अच्छी नहीं लग रही होगी। नहीं, प्रोग्राम भी बेस्ट होना चाहिए, कमीशन जो भी मिले अच्छा मिलना चाहिए, साथ ही साथ वो जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये सबसे बेहतरीन होना चाहिए। अब नंबर 1 पे मैं रखता हूँ सेमरस एफिलिएट प्रोग्राम। सेमरस एफिलिएट प्रोग्राम बेसिकली SEO से रिलेटेड है। SEO का मतलब क्या है? सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। एक उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा देता हूँ। मान लो इस समय पर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहोगे, तो इस समय पर मार्केट में हज़ारों न्यूज़ वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लेटेस्ट न्यूज़, तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, उसके बाद आपको बहुत सारी पॉपुलर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट कर सकते हो? आपकी वेबसाइट गूगल पे सबसे ऊपर कैसे रैंक हो सकती है, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स मौजूद है। तो इसके लिए आपको SEO करना पड़ेगा, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। आप SEO कैसे कर सकते हो? मैनुअली कर सकते हो या फिर आप टूल्स की मदद से भी कर सकते हो। मैनुअली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सालों की मेहनत लगती है, उसके बाद भी ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर एक वेबसाइट को स्टडी करना कि वहाँ पर ट्रैफिक कैसे आ रही है, वहाँ पर व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, तो ये सब स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप ये मैनुअली करोगे। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे SEO टूल्स होते हैं जो एनालाइज करते हैं, हर एक वेबसाइट को ये एनालाइज करते हैं और आप सभी के सामने बताते हैं कि ये किस तरीके से गूगल में रैंक हो रही है। इस समय पर सेमरस सबसे बेस्ट SEO प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है, जिन्हें हम फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं,
हैं, इनमें से 30% कंपनीज सेमरस SEO प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और अपनी वेबसाइट को ये रैंक करती है। तो सबसे बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो, अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो, आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट को गूगल या फिर फेसबुक पे एडवर्टाइज करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, तो सबसे कम दाम पर किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ये आपको सेमरस बहुत ही आसान तरीके से समझा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जानना है हिंदुस्तान टाइम्स अपनी वेबसाइट को किस तरीके से गूगल में सबसे ऊपर रैंक कर रहा है, तो आपको सेमरस में ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मंथली व्यूज कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर कितनी आ रही है, कौन कौन से कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर बैकलिंक्स कितने दिए गए हैं, तो पूरी तरीके से आप इस वेबसाइट को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट में प्लानिंग करने के बाद बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप खुद भी वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसका 7 डेज का ट्रायल मिलता है। 7 डेज का ट्रायल आप यहां पर बहुत ही आसानी से अवेल कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको कार्ड की डिटेल भी देनी पड़ेगी, लेकिन आपको 1 भी रुपया यहां पर देना नहीं पड़ेगा। 7 दिन के अंदर अगर आप अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कर देते हो तो आपको टोटल 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। 0 रुपीज में आप सेमरस को बिल्कुल फ्री 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगती है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, देन आप इसको बहुत ही आसानी से मंथली बेसिस पे अवेल कर सकते हो। लेकिन आप 7 डेज के लिए बहुत ही आसानी से ट्रायल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है। अब आप सेमरस एफिलिएट प्रोग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हो, तो आपको पहले इनके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा और इन्होंने टाइप किया है app.impact.com के साथ। Impact Radius बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देता है और ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स आपस में आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, जैसे कि आपको नाम फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपकी वेबसाइट क्या है या फिर आपका यूट्यूब चैनल क्या है या फिर आप किस तरीके से ये प्रमोट करना चाहते हो। आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ईमेल ID पे ही कंफर्मेशन आ जाएगा कि आप सेमरस का पार्टनर बन चुके हो। उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड दे दिया जाएगा, वहां पर आप एफिलिएट लिंक खुद क्रिएट कर सकते हो और ये किसी को भी रेफर कर सकते हो जो SEO में वाकई इंटरेस्ट रखता है, यानी कि अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहता है। और यहां पे आपको बताना चाहता हूं, पर सब्सक्रिप्शन सेल ये $200 पे करता है। अगर सेल नहीं भी होती है तो आपके लिंक से अगर कोई ट्रायल भी करता है, 7 डेज का ट्रायल अगर कोई अवेल करता है तो आपको $10 मिल जाता है। अगर कोई सिर्फ रजिस्टर करता है तो आपको $0.01 मिल जाता है और ये आसानी से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ये मेरे हिसाब से है। अब दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ अपस्टॉक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। देखिए, इस समय पर अगर मैं आप सभी को USA के बारे में बताऊँ तो अमेरिका में लगभग 55% लोग ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 3.5% लोग ही स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। तो इस समय पर स्टॉक में निवेश करना, ये जो मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। अगर आप किसी को रेफर करोगे इसमें तो बहुत सारे लोग यहां पर आ सकते हैं। अपस्टॉक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस समय पर जो है ना, जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय पर फ्री पे आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। हो सकता है आने वाले समय में इनकी पॉलिसी बदल जाए, 15 से 20 दिन के बाद ये अपनी पॉलिसी बदलते हैं। कभी ये 99 रुपीज़ होता है, कभी ये 199 रुपीज़ होता है, लेकिन इस समय पर आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, आप KYC डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कर सकते हो, 5 मिनट ही लगेंगे और आपका अकाउंट यहां पर खुल जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो, इनका पार्टनर का एक खुद का प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको KYC डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। कुछ डिटेल्स देने के बाद ये 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो डिटेल्स वगैरह है पूरी तरीके से वेरीफाई कर देते हैं और आपको अपना पार्टनर बना देते हैं। लेकिन पार्टनर बनने के लिए आपको ₹1100 देना पड़ेगा, प्लस आपका डीमैट अकाउंट खुलना चाहिए। पार्टनर बनने से आपको फायदा क्या है? आपको फायदा ये है कि आपको पर रेफर, अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करोगे तो आपको 300 से लेकर 1200 तक, इनकी पॉलिसी बदलती रहती है, कभी ये ₹300 रहता है, कभी ये ₹500 रहता है, कभी ये ₹1000 रहता है, तो 300 से लेकर 1200 ये इंसेंटिव आपको मिल जाता है पर रेफर पे। प्लस जो भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज फी का 40% आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अगर आपका दोस्त
जिन्हें आपने रेफर किया है वो किसी को रेफर करते हैं तो उनका भी ब्रोकरेज फी आपको मिल जाता है। इसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये वाकई में बहुत ज्यादा है। मंथली अगर आप 20 लोगों को रेफर करते हो ना तो इससे आप एनुअली 5 लाख से ज्यादा कमा सकते हो और ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे में इसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हर एक स्टेट में आप देख सकते हो अर्निंग पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओडिशा के बारे में जानना है तो ओडिशा में इस समय पर सिर्फ 250 अपस्टॉक्स के रजिस्टर्ड मेंबर्स है, यानी कि एक्टिव क्लाइंट है, और इसका अर्निंग पोटेंशियल 60 लाख से ज्यादा है। अर्निंग पोटेंशियल यानी कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 7 लाख से ज्यादा लोग। तो आप सोच कर देखिए, अगर इतने लोगों को आप रेफर करोगे तो इससे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम को। होस्टिंगर क्या है? होस्टिंगर बेसिकली एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट को बनाने के लिए इसको होस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि गोडैडी या फिर होस्टिंगर। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है यह है होस्टिंगर। आप ये उन लोगों को रेफर कर सकते हो जो वाकई में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिनको एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। जैसे मैंने आप सभी को कहा है, देखिए मार्केट में काफी सारे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल गोडैडी है या फिर साइट ग्राउंड है, इनमें भी एफिलिएट प्रोग्राम्स है। लेकिन मैं प्रमोट होस्टिंगर को क्यों कर रहा हूँ? क्या होस्टिंगर ने मुझे पैसे दिए हैं? नहीं, होस्टिंगर को मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे होस्टिंगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनकी जो सर्विस है, इनका जो प्लान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान 159 रुपीज मंथली मिल जाता है। अगर आप एनुअली इसको प्रमोट कर देते हो तो 60% आपको सेल के लिए कमीशन मिल जाता है। इसका 60% कमीशन आपको मिल जाएगा। होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम में आपको क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी? बिल्कुल उसी तरीके से आपको सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना जो फोन नंबर है, आपकी वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल का नाम, आप किस तरीके से इसे प्रमोट करना चाहोगे ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगा। आप उसका एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो और किसी भी दोस्त को रेफर कर सकते हो जिनको वेबसाइट बनाने की जरूरत है, जो एक होस्टिंग प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं, और वहां से 60% कमीशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट में ये 3 सबसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम से जो आपको सबसे बेस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं और सबसे बेस्ट कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि है सैमरश, अपस्टॉक्स और होस्टिंगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।